नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। कई लोग ये मानते हैं कि आपको दाग धब्बे मुहासे सूख गया है तो जल्द से जल्द स्क्रब कर लें और ये दाग धब्बे लाइटर हो जाएंगे। ये आपकी गलत फहमी है। जब भी आप अपने चेहरे पे स्क्रब करते हैं, फोर्सली आप उसको मिटाने की कोशिश करते हैं, ये और सेंसिटिव हो जाती है, इरिटेटेड हो जाती है, इसलिए और बढ़ने लगती है। इसलिए कभी भी अपने एक्ने पे, पिंपल पे, कोई भी दाग धब्बे मुहासे पे कभी भी स्क्रब ना करें, उसे नेचुरली सूखने दें और नेचुरल इंग्रेडिएंट से नेचुरल फेस पैक बनाएं और उसे सारी गलत फहमियों का एक सोल्यूशन लेकर आए हूँ। आपको डार्क सर्कल है, आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है, एक्ने हैं, आपके दाग धब्बे मुहासे लाइटर नहीं हो रहे, क्या करें? तो इसलिए आपके लिए ऐसा फेस पैक लेकर आई हूँ जो आपको सिर्फ एक या दो टाइम लगाने के बाद ही बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फेस पैक। आप इस तरीके से 5 या 6 बादाम ले लें और उसको रात भर सुखा दें। उसके बाद इसके छिलके कुछ इस तरीके से निकाल कर उसका फाइन पेस्ट बना दें। इस फेस पैक के लिए हमें सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले ये बादाम का पेस्ट जो हमने बनाया था, फिर बेसन, थोड़ा सा हनी यानी कि शहद, और उसके बाद दही। अगर दही नहीं लेना चाहते तो आप दूध भी इसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं, या तो थोड़ा सा गुलाब जल। जिस बर्तन में आधा चम्मच शहद था उसमें मैं 2 छोटे चम्मच बादाम के पेस्ट की ले रही हूँ, और उसमें मैं ऐड करूँगी 2 छोटे चम्मच बेसन के। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर उसमें ऐड करूँगी 2 छोटे चम्मच दही, जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी फ्रेंड्स, तो इसके बाद आपको कुछ इस तरीके से अपने स्किन पर लगाना है एक पतला लेयर, और कम से कम 15 मिनट तक अपने स्किन पर इसे रहने दें, और जो एक्स्ट्रा बच जाएगा आप इस तरीके से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इसे 2 से 3 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा? आप इस फेस पैक को जब भी ट्राई कीजिएगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके जो भी कमेंट्स हैं, जो भी हमारे वीडियो को पहली बार देखेगा वो आपके कमेंट्स को ज़रूर पढ़ेगा। तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू सो मच गाइस, पिछले वीडियो में आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए। ये रहे हमारे पिछले हफ्ते के कुछ कमेंट्स। आपके हर कमेंट्स में अपनी हर वीडियो में शेयर करती हूँ, इसलिए कमेंट्स ज़रूर करें। और हाँ, आप हर बार मेरे वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस दिवाली को, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और उनकी भी दिवाली खास बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। Stay blessed and wish you all a happy Diwali. Namaste.